नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट का बॉटनी का थर्ड पेपर चालू कर रखा है और थर्ड पेपर में टेरिडोफाइटा की अंतर्गत फर्स्ट इकाई कंप्लीट कर ली है। उसके अलावा सेकंड यूनिट के अंतर्गत सबसे पहला लिविंग मेंबर है साइलोटम। तो पहला लिविंग मेंबर टेरिडोफाइट का पढ़ते हैं साइलोटम। साइलोटम की वर्गीकृत स्थिति सिस्टमेटिक पोजीशन सबसे पहले देखते हैं। साइलोटम साइलोफाइटा डिवीजन का सदस्य है। इसकी क्लास है साइलोप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेलेज, फैमिली साइलोटेसी और जीनस साइलोटम। तो इसमें चार डिवीजन है, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा। जिसमें फर्स्ट जो डिवीजन है उसका फर्स्ट मेंबर पढ़ रहे हैं साइलोटम। सबसे प्रिमिटिव लिविंग टेरिडोफाइट है, यानी कि सबसे प्रिमिटिव जो अर्थ पे जो पादप है वेस्कुलर प्लांट वह साइलोटम है। साइलोटम का सामान्य नाम विस्क फर्न भी कहते हैं। साइलोटम का सामान्य नाम या कॉमन नाम या सामान्य भाषा में जो इसको पुकारते हैं वो विस्क फर्न। तो एक क्वेश्चन आता है कि साइलोटम का सामान्य नाम क्या है, तो इसका क्या लिखोगे? विस्क फर्न। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है साइलोटम की जातियों के नाम लिखो, साइलोटम की स्पीशीज के नाम लिखो। साइलोटम की दो जातियां विश्व में दो स्पीशीज पाई जाती है, साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लेसिडम। टू स्पीशीज हुई साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लेसिडम। इसमें से साइलोटम फ्लेसिडम जाति है ये अधिपादपीय एपिफिटिक है। अधिपादपीय जाति का मतलब होता है कि दूसरे प्लांट्स पर पाया जाना, तो एपिफाइट के रूप में पाया जाता है। तीसरा इसमें आता है साइलोटम का विश्व में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व में कहां कहां पर साइलोटम पाया जाता है? साइलोटम विश्व में जमैका, जावा, मलाया तथा मेक्सिको और भारत आदि देशों में पाया जाता है। साइलोटम की इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल का जो कुल्लू मनाली एरिया है कुल्लू उस एरिया में तथा मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, सबसे मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट जो पार्ट है जिसे अपने माउंट आबू है, उसी प्रकार से पंचमढ़ी एक स्थल है जहां पर साइलोटम पाया जाता है। तो ये साइलोटम का डिस्ट्रीब्यूशन भारत में कहां कहां पर है। अब साइलोटम का स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी दो होती है इसमें, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। मुख्य जो प्लांट बॉडी है वह है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद का नाम से स्पष्ट है कि वह पादप का है जो बीजाणुओं को उत्पन्न करता है, बीजाणुद्भिद कहलाता है स्पोरोफाइट। और गेमिटोफाइट वह युग्मकोद्भिद, वह पीढ़ी जो युग्मकों का उत्पादन करने वाली संरचनाओं को धारण करती है युग्मकोद्भिद कहलाती है। तो इसकी मुख्य पादप बॉडी क्या होती है? बीजाणुद्भिद, जो कि द्विगुणित होती है 2N, जो कि 20 से 90 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें निम्न तीन भाग पाए जाते हैं, राइजोम, वायवीय भाग और पत्तियां लीव्स। राइजोम किसे कहते हैं? वह तने का वह भाग जो भूमिगत होता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, वह राइजोम कहलाता है। और जो तना बाहर निकल आता है उसको वायवीय प्रोड या शूट कहते हैं, यानी कि तना जो मिट्टी के पैरेलल ग्रोथ करेगा जैसे पुदीना और इन पादपों में, तो उसको राइजोम कहते हैं। और जो तना बाहर निकल आता है एरियल पोर्शन में, बाहर वायु में, उसको वायवीय प्रो एरियल शूट कहते हैं। इस पर तने पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, ये लीव्स हुई। पहला हुआ राइजोम,
यह पादप का बेलनाकार प्रोस्टेट डाइकोटमस ब्रांच्ड और भूमिगत भाग होता है और जल अवशोषण का कार्य करता है। प्रोस्टेट रेंगता हुआ और डाइकोटमस ब्रांचिंग, पहले आपको बताया था कि डाइकोटमस ब्रांचिंग किसे कहते हैं, इस प्रकार की ब्रांचिंग जिसमें तना बराबर दो भागों में बंट जाता है डाइकोटमस ब्रांचिंग कहलाती है। ये प्रिमिटिव लक्षण है, आदिम लक्षण। और जल अवशोषण के रूप में क्या पाए जाते हैं, मूलाभास। तो मूलाभास किसका करैक्टर है, ब्रायोफाइट का लक्षण है जो कि टेरिडोफाइट में पाया जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि टेरिडोफाइट्स का ओरिजन उद्भव किससे हुआ है, ब्रायोफाइट से। तो मूलाभास पाए जाते हैं, जैसे आपने राइनिया पादप जीवाश्म पादप पढ़ा था उसमें भी मूलाभास पाए जाते हैं। ये साइलोटम के पौधे की संरचना जिसमें राइजोम, राइजोम पर जड़ें नहीं है, राइजोइड्स पाए जाते हैं। वायवीय भाग भी क्या है, डाइकोटमस ब्रांच्ड, और उसके ऊपर पत्तियां पाई जाती है और पत्तियों के कक्ष में एक बीजाणु धारण करने वाली संरचना पाई जाती है जो कि ट्राइलोब्ड या तीन बीजाणु धानियों से मिलकर बनी संरचना होती है जिसको साइनेंजियम, सह बीजाणु धानी कहते हैं। वह बीजाणु धानी जो एक से अधिक बीजाणु धानियों के संयोजन से बनती है साइनेंजियम कहलाती है। वायवीय भाग की शाखाएं 20 से 90 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसमें कुछ रिच और ग्रुप्स पाई जाती हैं और छोटी छोटी पत्तियां होंगी जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इस प्रकार से टेरिडोफाइट में सबसे जो पहला प्लांट जिसकी स्ट्रक्चर अपने देख रहे हैं, स्पोरोफाइट जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे सरल प्रकार की इस पादप के अंदर साइलोटम में पाई जाती है। सबसे सरल संरचना के रूप में राइजोइड्स, राइजोम, वायवीय भाग जिस पर लीफ और जनन अंग के रूप में साइनेंजियम, सह बीजाणु धानी पाई जाती है। धन्यवाद।